अब एक जगह हम कथा कर रहे थे, उस कथा में हमने कह दिया कि पुरुष अगर जाके बोले कि बम्बम तो भगवान समझे ससुर आए, तो एक माता जी ने कहा अगर स्त्री बम्बम बोले तो, हमने कहा सास उसमें क्या दिक्कत है, शिव तो शिव है, ओगड़ी तो ओगड़ी है, चले बाबा भोलेनाथ। सती मैया जलकर भस्म हुई, हिमालय राज के यहाँ गई, हिमालय राज के यहाँ जो सती माता जन्मी वो पार्वती माता के नाम से विख्यात हुई। बोल पार्वती माता की, माँ पार्वती के नाम से विख्यात हो गई। अवस्था देव ऋषि नारद ने कहा और देव ऋषि नारद के कहने पर धीरे 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 माता पार्वती शंकर भगवान की आराधना में लीन हो गई। समय आया, शंकर भगवान का विवाह माता पार्वती जी के साथ पक्का हो गया। शिव दूल्हा बने, पार्वती बोलो बोलो जमके दुल्हन। हमारे मध्य प्रदेश में दूल्हे को बना कहते हैं और दुल्हन को बनी कहते हैं। छत्तीसगढ़ में यहां पर भी बोलते होंगे ना बन्ना बन्नी, अरे बोलो तो जमके बोलते हैं। शादी में रात को मेरी जीजियां ढोलक पीट पीट के गाती हैं, बन्ना जी बन्ना जी बन्ना जी बन्नी जी बन्नी जी बन्ना जी दिल्ली जाना जी वहां से लहंगा लाना जी। ऐसा दूल्हे को बना दुल्हन को बनी क्यों कहते हैं? बना जी बना जी बना जी, लड़के क्या कहते हैं? बना जी। और लड़की क्या कहते हैं? बनी जी। दोनों को चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं बना जी बनी जी, दोनों को कहते हैं। दूल्हे को इसलिए कहते हैं कि जैसी भी मिले बना कर चलना जी, इसलिए बना जी। और दुल्हन को कहते हैं बनी जी, कितनी भी लड़ाई हो वहीं बनी रहना, झगड़ के मायके मत आना। तो बनी दूल्हा को कहते बना और दुल्हन को कहते बनी, और दोनों में ही बनी तो काय का बना। और मैं पिता के घर में अगर कोई कार्य चल रहा है तो फिर सोच कर जाना कि मुझे पत्र आया कि नहीं, फिर विचार कर जाना कि पत्र पहुंचा कि नहीं पहुंचा। फिर पत्र पहुंचे तब पत्र तुम्हारे पास पहुंचे तो पहुंचे। गुरु घर में कार्यक्रम है तुम्हारे पास में, जब कोई कार्यक्रम ना रहे तब जरूर जाओ, पर गुरु के घर में अगर कोई फंक्शन है कोई कार्यक्रम है तो बिना पत्र के फिर ना जा, फिर ना जा। सती मैया पहुंची यज्ञ की अग्नि में, सती माता जलकर भस्म यज्ञ की अग्नि। क्रोध आया भगवान शंकर को और इतना क्रोध भगवान शिव जी को आया। भगवान शंकर को इतना क्रोध भगवान शिव को आया कि शंकर भगवान क्रोध में आकर उपद्रव करते, केश थोड़ा वीरभद्र को भेज दिया जाकर पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर, पूरी यज्ञशाला विध्वंस कर दी जा। यज्ञशाला विध्वंस हो गई, दक्ष प्रजापति का सिर कटा अग्नि में जाकर गिर गया, अग्नि में गिरा। हाहाकार मच गया, यजमान का सिर कट गया, यजमान का सिर कट गया, यज्ञ कौन कराएगा? अहंकार जब बहुत बढ़ जाता है व्यक्ति को तीन चीजें बर्बाद कर देती है, एक लोभ, एक अहम और एक वासना। ये तीन चीजें व्यक्ति को बर्बादी की ओर लेकर चली जाती है। जब व्यक्ति के अंदर लोभ जागृत हो जाता है, जब उसके अंदर लोभ जागृत हो जाता है तो वो बर्बाद हो जाता है, तब वो बर्बादी का सिरा पकड़ा।
थोड़ा दूर रही। देवताओं ने आकर भगवान शंकर से विनती करी, भोले बाबा इस यज्ञ को पूर्ण कराइए। शंकर भगवान ने कहा, दक्ष प्रजापति का तो सिर कट के अग्नि में गिर गया, दक्ष प्रजापति का सिर जब अग्नि में चले गया तो यज्ञ कैसे पूर्ण होगा? आप सब कुछ कर सकते, जो कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते, आप कर सकते। भगवान देव अधिदेव महादेव भगवान शंकर को पूर्ण परमेश्वर कहा गया। हम उन्होंने अपने धन का सदुपयोग किया। ये 16 दिन श्राद्ध में उन्होंने अपने धन का सदुपयोग करा। इस वनवासी क्षेत्र में आकर थोड़ा सा अन्न भाग देकर उन्होंने ये आनंद विषय प्राप्त करा। जो पानी के पाउच बांट रहे हैं उनको धन्यवाद देना, जो पानी की बोतल बांट रहे हैं उनको धन्यवाद देना, जो बिस्कुट कुरकुरा बांट रहा है उसको धन्यवाद देना, जो एक अंश मात्र टॉफी भी बांटे तो उसको धन्यवाद देना कि उसने अपनी पूंजी का सदुपयोग करा। पूंजी का सदुपयोग करा। और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आपको भी धन्यवाद है कि आपका 1 रुपया अंश मात्र भी इस कथा में जो आ रहा है उसके लिए धन्यवाद है। आप श्राद्ध पक्ष में जो सुख आपने प्राप्त किया उसके बराबर कोई सुख किसी न किसी रूप में आप, तो जितने यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कोई पूरी सब्जी बांट रहा, कोई कुछ बांट रहा, कोई कुछ बांट रहा, उनको साधुता हमारी ये सब चलेगा। पर आप स्नेहवश तो रहिए। दक्ष प्रजापति का अभिमान, दक्ष प्रजापति की अभिमत्ता सम्मुख में प्रकट हो गई। और दक्ष प्रजापति की जब अभिमत्ता प्रकट हुई तब उस अभिमत्ता के तहत दक्ष प्रजापति के भीतर जब अभिमान, दक्ष प्रजापति के भीतर जब अहंकार प्रकट हुआ, सती मैया को बोल दिया, मैंने जब तुम्हारे यहाँ पत्र नहीं भेजा तो तू आई क्यों? क्यों आई? शिव महापुराण की कथा कहती है, परमात्मा के दरवाजे पर, पिता के दरवाजे पर, गुरु के दरवाजे पर बिन बुलाए भी चले जाओ, कथा सत्संग में बिन बुलाए भी चले जाओ। शिव महापुराण की कथा कहती है, जाओ। पर यदि गुरु के घर में कोई कार्यक्रम है, पिता के घर में कोई कार्यक्रम है, मंदिर देवालय शिवालय के अंतर्गत कोई विशेष फंक्शन है और मालूम पड़े भीड़ की अवस्था बहुत है, तो प्रयास करो कि भाई कोई आमंत्रित करे तो मैं पहुंच घर में। पिता के घर में जाने की मना नहीं है, पिता के घर में खूब जाओ, पर कोई फंक्शन है? तुम्हारे ऊपर के स्पीकर नहीं चल रहे हैं क्या? कथा को सफल बनाने का अथक प्रयास कर रहा है, अथक प्रयास कर रहा है। एक एक बच्चा लगा है गांव का, एक एक छोटे से छोटा बच्चा, एक एक बहन, एक एक जीजी इस कथा को सफल बनाने का प्रयास कर रही है कि हमारे गांव की कथा है, हमारे नगर की कथा है, एक एक क्षेत्र का व्यक्ति, पूरी धमतरी जिले का व्यक्ति इस कथा को सफल बनाने में लगा हुआ। जो इस कथा से नहीं भी जुड़े थे वो भी अब खड़े होकर इस कथा को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी यह कथा किसी भी रूप में सफल हो जाए। सफल मनी पैसा मन में मत आने दो। अगर ये मनी ये पैसा तुम्हारे मन में आ गया तो ये देते हैं हमारा जीवन संवार देते, उसको काल अधिपति महाकाल कहते हैं, जो कालों को भी साध कर चलता है।
उसको काल अधिपति महाकाल कहते हैं। वो अवंती का नरेश है, वो उज्जैन का नरेश है, वो उज्जैन का राजा है, वो अवंतिका का राजा है, उसको तीन काल का अधिपति महाकाल कहते हैं, क्योंकि भूत भविष्य और वर्तमान मेरे काल अधिपति महाकाल के हाथ में है। जो जान गया काल अधिपति को वो जान गया। कहीं जाओ मत, पृथ्वी को खोद कर देखोगे ना, कोई मूर्ति मिले ना मिले, पर पृथ्वी को खोदने पर, पूरी पृथ्वी को खोदोगे तो शंकर का शिवलिंग जरूर मिलेगा, प्रदेश में प्रारंभ हो जाएगा। कथाओं का क्रम चालू है, ये मान कर जाइए। कथा के पंडाल में जब बैठो, कथा के पंडाल में जब जाओ, भले थोड़ा परिश्रम लगेगा, धूप लगेगी, परेशानी हो सकती है, पैदल चलना जा सकता है, गाड़ी से जा सकते हो, गाड़ी भी ट्रैफिक में रहेगी, पर ये विश्वास मान कर जाना कि मैं पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगी, मेरा महाकाल मेरे घर में आकर विराजमान होगा और मेरा दुख जरूर काटेगा। लोग हंसे, हंसने दो, अब शब्द कहें, कहने दो। जिस पर दुनिया हंसती है, जिस पर दुनिया ताना कसती है, एक दिन वही भारत की भूमि पर राज कर कर बताता है। जिस पर दुनिया हंसती है, ताना कसती है, वही संसार में ऊंचा बढ़ता चले जाता, वही आगे बढ़ता है। ताना दे, दे दो, गाली दे, दे दो, अपशब्द कह कहने दो, अपशब्द बोल बोल। धमतरी की पितृपक्ष की ये एकदम नई कथा है। अगर यह कथा आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मेरे चैनल में नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।